जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आ गया हूँ एक और न्यू अपडेट लेकर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बागेश्वर धाम गुरुजी धाम पर वापस कब आएंगे, कब वहाँ पर उनका दिव्य दरबार लगेगा, तथा साथ में आपको बताऊंगा पेशी का दरबार लगाया जाएगा या नहीं। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर लेना। उस व्हाट्सएप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हम वहाँ भी जरूरी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको नहीं पता है कि बागेश्वर धाम गुरुजी पितृ शांति उपाय कब करने जा रहे हैं, इसका शिविर कब लगेगा तथा ये प्रोग्राम कहाँ पर होगा, तो इस पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ। आप यहाँ से जाकर इस वीडियो को देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि बागेश्वर धाम गुरुजी बागेश्वर धाम में आकर कब दिव्य दरबार लगाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम गुरुजी इस समय धाम पर नहीं है। गुरुजी इस समय न्यूजीलैंड गए हुए हैं और बागेश्वर धाम गुरुजी 26 जुलाई 2024 को धाम से वहां पर गए थे और लगातार वहां पर कथाएं कर रहे हैं और दिव्य दरबार लगा रहे हैं। तो जब गुरुजी गए थे तब सूचना आई थी कि बागेश्वर धाम गुरुजी 15 अगस्त 2024 को धाम पर वापस आएंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गुरुजी 5 अगस्त 2024 में धाम पर वापस आ रहे हैं और 6 अगस्त 2024 में पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन अब इस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब प्रोग्राम 6 अगस्त 2024 में नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम गुरुजी इस समय में भी न्यूजीलैंड में रहेंगे और बागेश्वर धाम गुरुजी धाम पर वापस 9 अगस्त 2024 में आ जाएंगे, तथा 6 अगस्त को लगने वाला दिव्य दरबार 13 अगस्त 2024 को लगाया जाएगा। जो भक्त इस दिव्य दरबार में शामिल होना चाहते हैं वे 13 अगस्त 2024 में धाम पहुंच सकते हैं। अब कुछ भक्त ये पूछते हैं कि इनके दरबार में बैठने के लिए क्या कोई टोकन लेना होता है या कोई पर्ची कटानी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये दरबार बिल्कुल ही टोकन फ्री है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको वहाँ पर जाकर बैठ जाना है और राम नाम का जप करना है। इतना करने से ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और गुरुजी आपको नाम लेकर बुला लेते हैं। और दूसरा विधान ये है, यदि आप धाम पर जा रहे हो तो आप अपने घर पर भी अर्जी बांध कर आ सकते हो। अर्जी कैसे लगाई जाती है ये विधान मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियो में बताया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख लेना, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि 13 अगस्त 2024 को यहाँ पर पुरानी पेशी का दरबार लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम गुरुजी ने बताया है कि 13 अगस्त 2024 को सिर्फ यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा, पेशी का दरबार नहीं लगेगा। यदि पेशी का दरबार वहाँ पर लगता है तो ये गुरु इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुजी की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं है। 13 अगस्त 2024 में यहाँ पर पुरानी पेशी का दरबार नहीं लगेगा, लेकिन आप नॉर्मली पेशी जैसे करते हो वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो यदि अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आया है, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सभी बोलें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।